नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां नियत तिथि से एक माह पहले ही धान खरीद बंद कर दी गई, जिसके चलते किसान परेशान हैं। मामला भावरकोल ब्लॉक के मुंडेरा धान की केंद्र का है, जहां धान खरीद की अंतिम नियत तिथि से एक माह पहले ही धान की खरीद बंद कर दी गई, जबकि क्षेत्रीय किसानों का हजारों क्विंटल धान क्रय केंद्र के बाहर पड़ा हुआ है। धान के केंद्र के संचालक एजेंसी के अफसरों ने लक्ष्य पूरा होने की बात कह किसानों से धान खरीदना बंद कर दी है, जिसके बाद धान खरीद न होने से क्षेत्रीय किसान परेशान हैं। मुंडेरा धान क्रय केंद्र में धान खरीद बंद होने से परेशान स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। महताब आलम की रिपोर्ट। हमारे यहाँ मुंडेरा बुजुर्ग में पीसीयू का एक केंद्र खुला था, जिसमें जो है किसान अपना टोकन लगाए हैं और उनका धान अभी खरीदा नहीं गया है। उनसे धान जो है 20 तारीख को वही मंगा दिया गया है जनवरी में, और बोला गया कि जो है बोला जाता है तो आपका क्रय किया जाएगा, और 5 दिन बोड़े के अभाव में जो लटका करके फिर 29 तारीख को जो है डिप्टी RMO और PCU के जो DS है, इन द्वारा जो है बताया जा रहा है कि जो है आप लोग अपना धान वापस ले जाइए, शासन द्वारा ये केंद्र बंद कर दिया गया है। इतना धान वापस कर लिया गया, क्या लगता है? देखिए तो लोग जो है बात हो रहा है तो बोल रहे हैं शासन से ही बंद कर दिया गया है, लगभग 1,500 क्विंटल धान है अभी। शासन से ये कहा कि 28 फरवरी तक सभी किसानों का धान खर्च किया जाएगा, तो उससे पहले आखिर बंद करने का मतलब क्या है आप लोग? वही चीज हम लोगों ने डिप्टी साहब से पूछा तो बोल रहे हैं कि लक्ष्य हमारे यहाँ पूरा हो गया है, इसलिए जो है शासन द्वारा बंद कर दिया गया है। ऐसे में अगर मान लिया जिला प्रशासन धान को नहीं खरीदारी करता है तो फिर आप लोग क्या मजबूरी क्या रहेगी? हम लोग मजबूरन जो है वहाँ जो है धरना देने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि किसानों का जो है मैं प्रतिनिधि हूँ और किसान जो है अपना धान नहीं बेच पाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। आज जिला अधिकारी से मिलने पहुँचे हैं, क्या हुआ है? वहाँ SDM साहब बैठे थे, उन्होंने जो है संज्ञान में लिए और बोले हैं कि मैं डिप्टी RMO से बात करता हूँ और DM साहब को भी मैं इस बात के लिए अवगत कराता हूँ,